Good morning everyone. जल्दी से ज्वाइन करो भाई, किसी से पेड़ ले ले, ऐसे खाली नहीं बैठ, पेड़ ले ले, पेन ले ले, ऑफिस से ले यार, लेकिन ले कल हमने कहा था क्वेश्चन किए थे मेंटेन तक एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन वन बाय सिक्सटीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन बाय सिक्सटीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 by 49 y square z square 1 by 4 xy ka whole square 2 by 7 yz ka whole square ठीक है तो a square माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें यही आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इनटू में ए माइनस बी ये वाली आइडेंटिटी इसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 75 ए क्यूब बी स्क्वायर 108 ए बी 4 अरे कोई तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इक्कीस में से 3 कॉमन है क्या कॉमन है 3 एक ए कॉमन है एक बी स्क्वायर कॉमन तो इसको मैं 3 ए बी स्क्वायर लिखूं तो 25 ए स्क्वायर लिख सकता हूं 3 की 25 से मल्टीप्लाई 75 ए की ए स्क्वायर से ए क्यूब और बी स्क्वायर इसमें से 3 ए बी स्क्वायर अलग किया तो ये कितना बनेगा 36 बी स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तुम्हें देखना पड़ेगा इन दोनों में 3 कॉमन आता है इसमें से ए कॉमन आएगा इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो उसको अलग कर दो 3 ए बी स्क्वायर 25 ए स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर ये 5a का होल स्क्वायर और ये 6b का होल स्क्वायर फाइव ए प्लस सिक्स बी और
ये 5a माइनस 6b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया ना, एक बार दोनों को प्लस करना है एक बार दोनों को माइनस। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पीडीएफ आती है ना तुम्हारे पास डेली, स्क्रीनशॉट ले ले भाई इसका। ले लिया, क्वेश्चन नंबर 23। एक्स की पावर 5 16x की पावर 3, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेके क्या रूल बनाएगा, क्यूब इसको x क्यूब इनटू x स्क्वायर और 16 इनटू x क्यूब, तो x क्यूब कॉमन आ गया ना, समझ आ रही है बात, x क्यूब कॉमन आया x square minus 16 x cube 4 का square a plus b a minus b a plus b a minus b ये पचास और दो नहीं है, पचास और दो में से क्या कौन बना सकता है, टू, इसको मैं पचास इंटू टू लिखू ना, और ये टू इंटू, इसमें से टू कॉमन आ गया, सॉरी 25, क्या बचेगा 25 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 81, ठीक है, फाइव बाई एक्स का होल स्क्वायर x by 9 का a plus b a minus b a plus b a minus b 25 256 x की पावर 5, ये तो नहीं आएगा यहाँ पर, थोड़ा बड़ा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
26, sorry, 25. x की पावर 5 81x, इसमें से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा 256 x की पावर 4 माइनस 81, 5x है तो एक कॉमन आ गया तो 4 रह गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं मैं, ये 16x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर का और ये 9 स्क्वायर, तो ये 16x स्क्वायर प्लस 9, 16x स्क्वायर माइनस 9, a प्लस b, a माइनस b, 16x square plus 9, इसको फिर से देखो, 4x का whole square, 3 का whole square, 16x square plus 9, फिर से बनेगा ना ये a square minus b square, ये बन जाएगा a plus b, a minus b, a plus b, a minus b, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि क्वेश्चन आपके बड़े हो गए हैं, अब क्वेश्चन आगे बड़े हैं, ठीक है। Okay, now next, question number 26, a की पावर 4, 2b plus c की पावर 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 2b plus c के स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कोई आंसर आ रहा है ठीक है, शेयर कर रहा नहीं मैं कर रहा हूं ठीक है, a स्क्वायर का स्क्वायर इसके स्क्वायर का स्क्वायर, अब बाहर वाला स्क्वायर अगर मैं हटा दूं जो बचा उसका एक बार प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर वो ए है ये बी है, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस और ए माइनस बी, ठीक है बच्चों, फिर इसमें आइडेंटिटी फिर से लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर 2b प्लस c का स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस, एक बार दोनों को माइनस, ये बनेगा a प्लस 2b प्लस c और ये a माइनस 2b माइनस, ठीक है समझ आ गया, बाहर वाला स्क्वायर हटाना है, जो बच गया एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये माइनस है तो इसके साइन चेंज, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होंगे
Quem? ठीक है नो स्क्रीनशॉट इसका भी सत्ताईस थ्री एक्स प्लस फोर वाई की पावर फोर फिर एक्स की पावर फोर स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख दो इसको ये स्क्वेयर और फिर एक और स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो एक बार तो दोनों को प्लस एक बार दोनों को माइनस बाहर वाला स्क्वेयर है जो बच गया उन दोनों को एक बार प्लस कर दो अब ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको ऐसे लिख दो ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसमें फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी थ्री एक्स प्लस फोर वाई का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस एक्स और 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर ये तो कितना बनेगा 4x प्लस 4y है ना 4x और ये 2x प्लस 4 अब इसमें से तो 4 कॉमन इसमें से 2 कॉमन है ना ले रखना है इसमें हाँ इसमें से 4 कॉमन इसमें से 2 कॉमन तो ये बनेगा 3x प्लस 4 into x plus y or 2 into x plus 2y है ना इसमें से 4 कॉमन लिया तो ये x plus y इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये x और ये 2y अब 4 और 2 की मल्टीप्लाई a x plus y x plus 2y ठीक है बच्चों दिस इज योर आंसर थोड़ा सा लेंथी था आ रहा है सबको समझ में हाँ भैया ले लिया स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 28
स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी फोर क्यू फोर, पहले तो इसमें से पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां तो कुछ क्या वन स्क्वायर कॉमन ले लिया टू और ये क्यू यही बचेगा ना। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये तो वन का स्क्वायर और ये पी क्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन प्लस पी क्यू वन माइनस पी क्यू, वन प्लस पी क्यू वन माइनस पी क्यू, थ्री एक्स क्यूब वाई टू फोर्टी थ्री एक्स वाई क्यूब। एक तो इसमें से तीन कॉमन है, एक एक्स कॉमन एक वाई कॉमन, तीन एक्स वाई तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, तीन आ गया एक एक्स आ गया तो दो बच गया एक वाई आ गया, तीन कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचेगा 81, क्योंकि 81 थ्री जेड टू 43, एक एक्स कॉमन आ गया वाई एक आया तो कितने बचे दो, तीन है ना यहाँ पर दो, हाँ तो 3xy ये x का स्क्वायर ये 9y का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, क्या लिख रहा हूं इसमें आइडेंटिटी लगेगी आप एक्स प्लस नाइन वाई एक्स माइनस नाइन वाई, ठीक है बच्चों 30 यही कर दूंगा 30 भी हो जाएगा। A4 B4 minus 16 C4 ये किसका स्क्वायर है, A स्क्वायर B स्क्वायर का और ये 4C स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये B स्क्वायर का, ये 4 का, ये C स्क्वायर का, तो A प्लस B और A माइनस, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, a स्क्वायर ये ab का होल स्क्वायर और ये 2c का होल स्क्वायर है ना, ये AB का होल स्क्वायर और ये 2C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 4C तो AB प्लस 2C, सबको आ रही है बात समझ में, कनेक्शन स्टूडेंट स्क्रीन क्लियर है भाई सबको, आवाज और स्क्रीन, मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है सभी को, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 31,
ठीक है 31 तो x माइनस y है इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं माइनस कॉमन लिया तो ये बचा x स्क्वायर माइनस जब बाहर माइनस आता है अंदर के साइन 3 लगते हैं ठीक है इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी x प्लस y x माइनस इसमें एक आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स प्लस वाई और तो एक्स माइनस वाई तो कॉमन आ गया इधर क्या बच गया वन और इधर क्या बच गया एक्स प्लस वाई ठीक है कर देंगे रिपीट क्वेश्चन 30 इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ तो वन ही है ये वन माइनस एक्स प्लस वाई तो ये एक्स माइनस वाई बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज वन माइनस एक्स माइनस वाई ठीक है 30 में रिपीट कर देता हूं एक बार ये था 30 कि a की पावर 4 b की पावर 4 16 c की पावर 4 ये a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 4 c स्क्वायर का होल स्क्वायर ये a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर ये 4 c स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b क्या आएगा बाहर वाला स्क्वायर हटाया मैंने एक बार दोनों को प्लस एक बार दोनों को माइनस ठीक है प्लस 4c स्क्वायर ab का होल स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर फिर से एक आइडेंटिटी और बनी है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a प्लस b a माइनस b अब आया सब में ये कोई डाउट ठीक है मैं ले लें स्क्रीनशॉट ले लें बस इतना ही करें आज एक बार बाकी कल कर लेंगे पीडीएफ भेज दो मेरे पास ठीक है ओके थैंक यू